subscribe my channel and press the bell icon. आ गया टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर, आमिर है दिलचस्प और अमिताभ पर सब पे भारी। हाय फ्रेंड, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट। फिल्म की ट्रेलर की शुरुआत में बताया गया कि यह कहानी 1795 के उस दौर की है, जब ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यशराज बैनर्स के तले बनी मल्टी स्टार का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। यह पहला मौका है जब आमिर खान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी, और फिल्म का ट्रेलर बता रहा है कि यह जोड़ी पर्दे पर काफी कमाल करने वाली है। अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी बेहद शानदार और लगभग सब पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों, जबकि वही दंगल में महावीर फोगाट के संजीदा किरदार में नजर आ चुके हैं आमिर। इस फिल्म में फिरंगी मल्ला के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो कि सच में एक जबरदस्त ठग है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में बताया गया है कि उस दौर की, जब ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था, उस समय आजाद नाम के एक ठग ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए मुसीबत बन गया था। हालत यह हुई कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस ठग से निपटने के लिए एक और ठग यानी फिरंगी मल्ला की मदद ली। दोस्तों, आमिर खान का किरदार इस फिल्म में ऐसा है कि वह किसकी तरह, तो यह समझना मुश्किल है। दोस्तों, ट्रेलर में VFX का कमाल काफी मजेदार दिख रहा है, और कई जगह आपको बड़े बड़े जहाज के सितारों के लुक का आनंद आपको बाहुबली ग्रैंड स्टाइल की याद दिला सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल यह एपिक एक्शन एडवेंचर फिल्म ब्रिटिश लेखक और प्रशासक फिलिप मीडोज ट्रेलर के 1849 के उपन्यास कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द ठग पर आधारित है। दोस्तों, इसमें एक ऐसे ठग की कथा है जिसका गैंग 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के लिए खास सिर दर्द बन गया था। इसका उपन्यास जब प्रकाशित हुआ तो 19वीं सदी के पूर्वाध में अपनी रोचना कथा वस्तु के कारण यह ब्रिटिश का बेस्ट सेलर ऑफ क्राइम उपन्यास बन गया था। यह उपन्यास इतना मशहूर हुआ कि इसे ब्रिटेन को ठग शब्द से परिचित कराया, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने इस हिंदी शब्द को अपने अंग्रेजी शब्द कोश में शामिल किया। दोस्तों, कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया ने भी इस उपन्यास को पढ़ा था। रुपयार्ड किपलिंग के चर्चित उपन्यास किम 1901 से पहले भारत के संबंध में लिखा गया यह सबसे प्रभावी उपन्यास माना जाता है।